हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2018 का मैथ पेपर वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दी हुई, दो फ्रैक्शन है और उसके समवय फाइंड करने हैं। तो क्या दी हुई है, 2/3 प्लस 4/5। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आपका हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 × 5 15 हो जाएगा, तो 5 × 2 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 × 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 22/15 और ये इसे हम लिख सकते हैं 1 and 7/15। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ शेप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। क्या बोला जा रहा है, देखिए, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है टू ऑफ देम आर रॉम्बस, टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल एंड ऑल आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, देखिए ऑल आर पैरेललोग्राम्स एंड वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, मीन्स यही दोनों में से कोई इनकरेक्ट होगा क्योंकि दोनों तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट वाली फिगर, आपको ये फिगर की बात कर लें तो ये एक रॉम्बस है, तो रॉम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया और ये आपकी स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तो एक टाइप का रॉम्बस ही है ना, जिसके सारे एंगल इक्वल होंगे और रॉम्बस इन टर्न आपका पैरेललोग्राम होता है, तो एक स्क्वायर भी आपका पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंगल पे इक्वल होंगे और ये भी आपका एक, देखिए ये भी एक रॉम्बस है, तो ये चारों आपका ये रॉम्बस है तो पैरेललोग्राम भी होगा, मीन्स चारों फिगर आपके पैरेललोग्राम है, मीन्स ऑल आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ऑल आर पैरेललोग्राम्स, टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स क्योंकि स्क्वायर भी आपका रेक्टेंगल होता है और टू ऑफ देम आर रोम्बसेस, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ जो है आपके रोम्बस हैं। ठीक है, नहीं आपका तो ऑप्शन नंबर वन, देखिए वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो सभी तो पैरेललोग्राम है, मींस ऑप्शन नंबर वन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपका 42 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है। अगर देखिए आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज कर लें, थोड़ा सा हाइयर क्वालिटी सेलेक्ट करें तो आपको क्लियर दिखने लगेगी। देखिए 42 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे चार नंबर्स दिए हुए हैं तो इसमें कौन सा नंबर है जो 11,000, 1,100 and 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11,000, 1,100, ठीक है, तो देखिए 11,000 और 1,100 में भी 1,000 है तो यहाँ तो 12,000 लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर सिस्टम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल नंबर्स में ऐड करके देखेंगे तो 11,000 बोला जा रहा है, 11,000 प्लस 1,100 प्लस 11। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 12,111, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इस प्रॉब्लम में क्या दी हुई, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, ये नंबर लाइन आप देख सकते हैं, नंबर लाइन्स में दो पॉइंट आपको ए और बी रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए ये 25 वाली मार्क और 39 वाली मार्क, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स अगर बोले इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5,
7 डिवीजन है। 7 डिवीजन कितने के बराबर है? तो 25,000 और 39,000, 14,000 इक्वल टू, ठीक है, 14,000 इक्वल टू 7 डिवीजन है, 7 डिविजन्स, तो ईच डिवीजन हो जाएगा आपका 2,000 यूनिट्स के बराबर। 1 डिवीजन इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। अब देखिए, ए और बी के बीच की बात कर लेते हैं हम। ए और बी के बीच जो है कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, तो काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 11 divisions है। Therefore, distance between A and B क्या हो जाएगा, 11 divisions है और each division आपका 2000 unit के बराबर है, तो 2000 units और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22,000 यूनिट्स। आंसर हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोली जा रही है, सुगर के पैकेट्स हैं, ठीक है, और एक पैकेट की वेट दी हुई है 1/16 केजी। तो हमें फाइंड करनी है कि 3 and 1/4 केजी में, ठीक है, इतने से कितने शुगर की पैकेट रेडी हो सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ईच पैकेट, ठीक है, हर एक पैकेट की जो वेट है उसे डिवाइड करेंगे, वेट और ईच पैकेट, ठीक है। तो टोटल वेट हमारी दी हुई 3 1/4 केजी डिवाइडेड बाय 1/16 केजी, और ये आपके हो जाएंगे देखिए 4 × 3 = 12, 13/4 और 16 आपके नीचे है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा 16, ठीक है। इतने नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे 4 × 4 = 52 नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। 45 देखिए क्या दी हुई है, हरीश अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है 1840 टाइम में, ठीक है, 1840, ये आपका 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर 12 आवर क्लॉक में आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये 6:40 PM हो जाएगा, ठीक है, 6:40 PM इन द इवनिंग, और 22:20 में खत्म होता है उसकी जर्नी, मीन्स ये 10:20, ठीक है। तो हमें टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में वो फाइंड करने हैं, तो हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर देंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टोटल टाइम इक्वल टू 2220 माइनस 1840, ठीक है। आप 12 आवर वाली क्लॉक भी ले सकते हैं, तो उस केस में आप लिखिएगा 10:20 PM, ठीक है, माइनस 6:40 PM, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा आपका दोनों केस में। अब देखिए 2220 का मीनिंग क्या हुआ, 22 hours 20 minutes, 22 आवर्स प्लस 20 मिनट माइनस 18 आवर प्लस 40 मिनट, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 22 आवर में आपका 18 आवर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 आवर्स हो जाएंगे, 4 आवर्स एंड 20 मिनट में 40 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 20 मिनट। अब देखिए हमें तो आवर से मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे हम लिख लेंगे 3 आवर्स और 1 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 60 मिनट माइनस 20 मिनट, तो ये हो गए आपके 3 आवर्स
40 मिनट्स। ठीक है, आप कैलकुलेट तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो गई टोटल जर्नी टाइम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। 46, क्या बोला जा रहा है, एक बकेट है उसकी कैपेसिटी दी हुई है 2000 मिलीलीटर। ठीक है, 2000 मिलीलीटर है, और क्या किया जा रहा है, दो कंटेनर्स हैं जिसके वॉल्यूम दिए हुए हैं 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर। ठीक है, दो टाइप के कंटेनर हैं, तो हमें बोलना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बकेट को फिल करने के लिए, ठीक है, बकेट को फिल करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। मीन्स ये क्या दिया हुआ है, इसमें दी हुई है कि अगर हम 200 ml का को 4 बार 4 टाइम्स यूज करेंगे और 300 ml को 4 टाइम्स यूज करेंगे तो क्या बकेट कंप्लीटली फिल होगी। मीन्स वॉल्यूम सेम आना चाहिए 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो वो हर एक चीज को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करें 4 4, तो इसे हम करेंगे 4 into, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट वाली जो है आपका नंबर, फर्स्ट वाली नंबर जो दी हुई है वो 200 से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड आपका 300 ml से। तो 4 into 200 + 4 into 300 और ये ऐड करेंगे आपको तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है 2000 मिलीलीटर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 7 into 200 + 2 into 300 और ये भी आप ऐड करेंगे तो 14 + 6, ये भी आपके 2000 ml हो गए। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 into 200 + 3 into 300 तो 1200 + 900 = 2100। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। चलिए लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वैसे हम सी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 1 into 200 + 6 into 300 और ये भी हमारा हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपको इसी से 2000 मिलीलीटर नहीं मिलेगा आपको, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और गिवन जो आपका फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए 7.1 × 3.85 डिवाइडेड बाय 9.09, तो इसमें क्या करेंगे हम, राउंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, राउंड कर लेते हैं सारे नंबर्स को, तो 7.1 आपका 7 हो जाएगा राउंड करके। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीजर में राउंड कर देनी है, जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उसमें राउंड करनी है। 3.85 मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 9.09, तो ये 9 हो जाएंगे, तो 7 into 4 by 9 आंसर हमारा हो जाएगा 47 का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दी हुई, एक फिगर है और बोला जा रहा है हर एक ग्रिड जो है, ठीक है, जो स्क्वायर ग्रिड आपका, मीन्स अगर हम दिखा देते हैं आपको फिगर से, तो देखिए ये हो गया आपका एक स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, ये स्क्वायर ग्रिड हो गई और इसकी एरिया दी हुई है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और हमें क्या बतानी है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन ऑन द ग्रिड। तो आपको हो सकता है क्लियरली नहीं दिख रहा हो, देखिए ये आपका जो एरिया है, ठीक है, ये पार्ट जो है आपका फिगर का, तो हमें इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी इस रेक्टेंगल की और उसी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सभी स्क्वायर के शेप में है, सभी स्मॉल वाली ग्रिड, तो 4 स्क्वायर यूनिट दी हुई है आपको, एरिया कितनी हो गई, एरिया ऑफ ईच ग्रिड
इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू स्क्वायर, तो ईच साइड कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एरिया, ईच साइड इक्वल टू अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हर एक साइड तो हमें मिल गया। अब हम रेक्टेंगल की, सपोज ये हमारी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी हो जाएगी रेक्टेंगल की, लेंथ L इक्वल टू, अब देखिए एक पार्ट, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर ग्रिड में है, ठीक है। तो लेंथ आपकी हो जाएगी 4 इंटू ईच साइड ऑफ ईच ग्रिड, ठीक है, 4 इंटू 2 और ये आपके हो जाएंगे 8 यूनिट। लेंथ आपकी हो गई 8 यूनिट, ब्रेड से भी फाइंड कर लेते हैं, ब्रेड बी से भी नोट करेंगे, और ब्रेड्स में देखिए दो ग्रिड है हमसे, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 यूनिट्स। हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें आता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेड, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है सिंपली आप बोल सकते हैं बाउंड्री की लेंथ, ठीक है, इस पूरी फिगर जो है उसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 4, तो ये 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, 24 यूनिट्स आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है आपको, एक चाइल्ड को 75 मार्क्स आया हर एक सब्जेक्ट में और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए 5, ठीक है। तो मीडियम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ हर एक सब्जेक्ट में 75 है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जब भी मीडियम फाइंड करना होता है तो जो भी गिवन नंबर्स या स्कोर होते हैं उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लें, ठीक है। तो यहां भी हम लिखेंगे अरेंजिंग, अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां सभी सेम है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पांच सब्जेक्ट है तो 75 को ही हम 5 टाइम्स लिख लेंगे, 75 75 एंड 75, और मीडियन आपका होता है जो भी मिडिल टर्म होगा, आप जब अरेंज कर लेंगे उसके बाद जो मिडिल टर्म होगा, यहां पर आपका 75 है तो यही मीडियन हो जाएगा। सपोज आपके होते 71 72 73 74 75, तो आपका मीडियन होता 73, ठीक। तो मीडियन हमारा आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं आपको, ये एक सॉलिड फिगर है देखें, ठीक है, और बाकी सारे प्लेन फिगर है, ठीक है, कुछ पीस ऑफ पेपर है, किसे फोल्ड करके हम इस शेप में ला सकते हैं आपका ये सॉलिड फिगर। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए चार, इसमें क्या होंगे, चार पार्ट बनेंगे, ठीक है, चार ट्रायंगल होने चाहिए, तो ये आप एक पिरामिड है, ठीक है, एक पिरामिड है जिसके चार फेस होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को सिर्फ आप फोल्ड करके इस शेप में ला सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है, देखिए व्हाट इज द व्हाइट पार्ट, तो रेड पार्ट की वैल्यू दी हुई है 40, ठीक है, रेड पार्ट आपका ये पोर्शन है और इसकी वैल्यू दी हुई है 40, तो हमें व्हाइट पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल अगर मान लीजिए हम टोटल पूरा जो आपका पाई चार्ट में दिखाया हुआ है उसका टोटल हम एक्स पार्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, टोटल एक्स पार्ट है, तो उसमें रेट का कितना होगा,
ठीक है। चलिए तो टोटल यूनिट्स ऑन पाई चार्ट, टोटल लिट, टोटल यूनिट्स ऑन चार्ट, और ये सपोज हमारा है एक्स, ठीक है। तो रेड आपके हो जाएंगे, रेड पार्ट इक्वल टू कितनी यूनिट्स हो जाएगी, हाफ जो पोर्शन है आपका रेड है, मीन्स एक्स बाय टू, और एक्स बाय टू दिया हुआ है इक्वल टू 40, ठीक है। 40 से इक्वेट कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी 80, एक्स इक्वल टू 80। अब हमें फाइंड करनी है वाइट पार्ट, देखो वाइट पार्ट कितनी हो जाएगी, वाइट पार्ट ये 1/8x हो जाएगा, 1/8x मीन्स 80/8, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10, 10 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक सॉलिड शेप आपको दी हुई है, फिगर ध्यान से देखें, और क्या करना है, अगर हम टॉप से देखें, ठीक है, टॉप से ही आप देखेंगे, सपोज आप यहां पर आकर देखें, ठीक है, ऊपर से कैसा दिखेगा, एक फ्लैट शेप दिखेगा जिसमें चार रेक्टेंगल आपको दिखेंगे और चार स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, इस पार्ट का सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हैं, इस पोर्शन का सिर्फ ये रेक्टेंगल दिखेगा और स्क्वायर बोल सकते हैं, और इस पूरे पार्ट का सिर्फ ये दिखेगा, हमें कोई भी अदर फेस दिखेगी ही नहीं अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, तो सिर्फ हमें टॉप पोर्शन दिखेगा और हर एक सिर्फ आपको स्क्वायर दिखेगी, ठीक है, बाकी कोई एज आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। तो चार रेक्टेंगल साइड बाय साइड मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको इस टाइप का ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, चार रेक्टेंगल दिखेगा बस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 और 2। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि 200 पैकेट है और हर एक पैकेट की कॉस्ट है 250 रुपये। सेकेंड ऑप्शन में है 20 डजन्स है, कुछ 20 डजन्स आइटम है और हर एक आइटम की कॉस्ट है 250। तो हमें फाइंड करनी है कि कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट की कॉस्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 की, इसकी कॉस्ट आपकी हो जाएगी 200 पैकेट्स हैं और पर पैकेट प्राइस है ₹250, और 200 × ₹250 इक्वल टू ₹50,000 हो गई, ठीक है, ₹50,000 आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 की प्राइस। सेकंड, 20 डजन है क्वांटिटी और हर एक आइटम की प्राइस है 250, तो कॉस्ट हो जाएगी सेकेंड केस में 20 डजन मीन्स 20 × 12 नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगी पर डजन आपका 12 आइटम्स हो जाएगी, और कॉस्ट के लिए हम पर आइटम की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 250, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे ₹60,000, ₹60,000। तो कौन सा ज्यादा हो गया, सेकेंड ज्यादा हो गया, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, कौन सा ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा है, मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, सम हमें फाइंड करनी है, नंबर क्या दिए हमें, देखिए 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1, और इसी तरह आपको रिपीट होता चला जाएगा। तो अगर हम इसे पेयर में लिख लें, ठीक है, तो 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है, और हर एक आपका पेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखिए 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ एरिथमेटिक पार्ट ऑफ मैथ डिस्कस किए,
बाकी आपका पेडागोजी पार्ट के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट, ठीक है, चैनल आप देख ले, आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट, ठीक है। इस पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, मैथ छोड़कर, और मैथ की पेडागोजी भी मिल जाएगी, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च करें, या तो आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल टैब में चले जाइए, वहां आपको ये चैनल मिल जाएंगे, और इसमें आपको पेडागोजी प्लस बाकी हर एक सब्जेक्ट, साइंस हो, CDP हो, EBS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, वो सारे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।